हिंद, आप सभी को एक बार फिर से मोहतोसर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा YouTube का सब्सक्राइबर है वन के हो गया है ना, तो आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मोहतोसर चैनल पे जुड़ने के लिए। और दूसरी नंबर बात है, हम आपको मिलवा रहे हैं इंग्लिश के महान सर से, है ना, भूकंप सर से मिलवा रहे हैं, क्योंकि तो इंग्लिश एकदम बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे बीच अभी आएंगे। आइए सर। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू। ए सर जो है इंग्लिश को एकदम जीरो टू हीरो लेवल से, इंग्लिश का एकदम जीरो से हीरो लेवल से आपको बताएंगे, ताकि आपका ग्रोथ है ना एकदम हीरो लेवल तक हो, है ना। तो ठीक है सर, आप स्टार्ट कीजिए, है ना, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आई वेलकम वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मोहतोसर यूट्यूब चैनल। देखिए, हम जो आज पढ़ने वाले हैं ऑक्सिलरी का पार्ट ही है, मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है इंग्लिश की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम इसको सही लेवल पे, सही लेवल से पढ़ेंगे तो हमारा एक लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी अच्छा कमांड हो सकता है, एक अच्छा लैंग्वेज हमारा बन सकता है। मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, अगर लैंग्वेज में चाहिए कमांड तो आपको दो चीज़ें बहुत मन से, दिल से करनी पड़ेगी, वो है पहला टेंसेस और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी। इस पर आपका बहुत अच्छा सा कमांड होना चाहिए, आपको हर एक का बेसिक से जीरो लेवल से यूज पता होना चाहिए, तभी तो आप बहुत अच्छा उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम मॉडल ऑक्सिलरी जो भी है इंग्लिश में, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें इंग्लिश बोलने में और सीखने में जो हमें हेल्प करेगी, वो सब यहाँ पे हमने डिस्कस किया डिटेल में। उसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमने किया है एकदम बेसिक लेवल से, कि भाई हर एक मॉडल ऑक्सिलरी का यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे और कौन से सिचुएशन में उसको हमें यूज करना है, वो सब हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दिया। बस जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरा वीडियो शुरू से अंत तक पूरा दिखेगा, सही आपको भी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, वी स्टार्ट विद द टॉपिक, हम ये टॉपिक से शुरू करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी हमें तो पता ही है कौन कौन सी होती है, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब तो होती है, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं ये मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमें उसका यूज और उसका एप्लीकेशन वो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए देखिए, मॉडल्स आर वर्ब यूज टू एक्सप्रेस मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर। जब भी किसी का जो एटीट्यूड होता है, या फिर हमारा, फिर किसी का भी, और उसका जो मूड है, वो बताने के लिए जनरली हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, उसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं। यानी ये जो है एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश के, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज किए जाते हैं, वो सिर्फ मेन वर्ब को हेल्प करते हैं मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, है ना। और दूसरी बात ये है, ये किसी भी स्पीकर के मूड और जो उसका एटीट्यूड होता है वो एक्सप्रेस करता है, वो शो करता है ना। ठीक है, अभी इसका यूज क्या होता है जनरली, दे आर ऑल्सो यूज टू सीक और गिव परमिशन, परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए भी मॉडल्स का यूज होता है। उसके बाद सजेशन, एडवाइस देने के लिए भी मॉडल्स का यूज होता है, किसी को सजेशन देना है हमें, भाई आप ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा रहो, उसके बाद किसी को अगर हमें एडवाइस करना है कि आपको ऐसा करना चाहिए, सलाह देनी हमें किसी को, तब भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अगर किसी को हमें रिक्वेस्ट करना है कि भाई साहब क्या आप मेरे लिए ऐसा करोगे, क्या आप मुझे थोड़ा ठंडा पानी पिलाओगे, क्या आप मुझे थोड़ा चाय दोगे, तो इस प्रकार की जो रिक्वेस्ट होती है, वो रिक्वेस्ट को बताने के लिए भी और एक्सप्रेस करने के लिए भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है। उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको, एडवाइस के लिए तो यूज होता ही है मॉडल्स का। उसके बाद आता है इन्विटेशन, इनविटेशन देने के लिए भी और इनविटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए भी हम मॉडल्स का यूज होता है। ये कुछ ऐसे सिर्फ टॉपिक लिखे हैं मैंने जो उनका यूज होता है मॉडल्स ऑक्सिलरी का। उसके बाद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मॉडल्स ऑक्सिलरी आर नॉट यूज एज अ मेन वर्ब्स इन सेंटेंस। मॉडल ऑक्सिलरी का कभी भी सेंटेंस में मेन वर्ब जैसा यूज होता नहीं है, इट्स ऑलवेज, दे आर ऑलवेज विथ मेन वर्ब, हमेशा वो मेन वर्ब के साथ ही आते हैं, अकेले कभी नहीं आएंगे। ठीक है, तो यानी मैंने बताया ना, दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स, यानी इट हेल्प्स टू मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हम जनरली मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, बाकी कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ हमारा मूड
और एटीट्यूड एक्सप्रेस करता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो कौन कौन से है, बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इंग्लिश बोलने में काफी हेल्पफुल रहेंगे या फिर इंग्लिश सीखने में बहुत सारे हेल्पफुल रहेंगे, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बेसिक बेसिक रूल्स, बेसिक बेसिक यूजेस हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, यहाँ पे मस्ट, कुड, शुड, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ऑट टू, नीड, डेयर, एटसेट्रा। अभी हम यहाँ पे पूरे के पूरे नहीं दिए, लेकिन जनरली आगे हम जब डिस्कस करेंगे तब सब पूरे के पूरे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एकदम। ठीक है, हम अभी शुरू करते हैं कैन से। कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी है। हर दिन हर समय हम मैक्सिमम टाइम कैन का यूज करते हैं, तो इसलिए तो आपको अब जब देखो जब आपका इसका आपका कमांड होगा मॉडल ऑक्सिलरी पे, तभी तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी हो जाएगी और इंग्लिश लिखने भी आसानी हो जाएगी और इंग्लिश समझने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं। नंबर वन, कैन। कैन का यूज देखिए पहला क्या है। कैन हम जनरली यूज ही करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, कैन के बहुत सारे यूज है, लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट रूल्स है, जो बेसिक जो यूजेस है उसके एप्लीकेशन से वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर वन देखिए, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन प्रेजेंट टेंस। जब भी हमें किसी की एबिलिटी या फिर किसी की कैपेसिटी दिखानी है प्रेजेंट टेंस में, तब कैन का यूज होता है। एबिलिटी मीन्स व्हाट, अपनी क्षमता, ताकत, पावर, अपनी एबिलिटी। अगर मुझे दिखा नहीं कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकती है, यानी ऐसी जो होती है ये होती है कैपेसिटी, ये होती है पावर। जो भी है अपनी हो या किसी की और की हो, कोई भी किसी की पावर, एबिलिटी आपको और कैपेसिटी दिखानी है तो कैन का यूज जरूर होगा। कब होगा ये, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। कैन इज ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट टेंस टू शो वंस एबिलिटी और कैपेसिटी। कैपेसिटी और एबिलिटी दिखाने के लिए जनरली कैन का यूज होता है। देखिए हम कुछ एग्जांपल से और इमेज का साथ समझेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया सा क्लियर हो जाएगा। जस्ट बने रहिए। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, ही कैन स्विम इन द रिवर। ही कैन स्विम इन द रिवर यानी कि वो नदी में तैर सकता है प्रेजेंट टेंस में, आज। यहां पे देखिए, वो नदी में तैर सकता है यानी कि नदी में स्विम करने के उसके पास क्या है, एबिलिटी। वो ही सिर्फ कर सकता है, शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास वो एबिलिटी है। उस एबिलिटी के बेस पे वो पानी में तैर सकता है, उसका वो क्षमता है उसके पास, उसकी वो कैपेसिटी है, लेकिन शायद हमारे पास नहीं है, उसके ही पास है। इसीलिए उसका एबिलिटी दिखाने के लिए हमने क्या यूज किया, कैन। ही कैन स्विम इन द रिवर, वो नदी में तैर सकता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही कैन स्पीक स्पैनिश। वो स्पेनिश बोल सकती है, उसके पास स्पेनिश लैंग्वेज बोलने की क्षमता है, उसके पास स्पेनिश लैंग्वेज बोलने की कैपेसिटी है, एबिलिटी है, शायद हमारे पास नहीं है, वही बोल सकती है, इसलिए हमने यूज किया कैन का। और प्रेजेंट टेंस में ना सभी, वो आज बोल सकती है, बोल सकती है आज वर्तमान में, प्रेजेंट टेंस में उसके पास वो एबिलिटी है, इसलिए हमने क्या यूज किया है, शी कैन स्पीक स्पैनिश, वो स्पैनिश में बात कर सकती है। देखिए यहाँ पे, दिस मैन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इतना हैवी बॉक्स है शायद हम नहीं उठा सकते, लेकिन ये जो आदमी दिख रहा है कि बॉडी से ही आपको पता चलेगा कि उसके पास वो कैपेबिलिटी है, उसके पास वो एबिलिटी है, जिस एबिलिटी के बेस पे उस बॉक्स को वो उठा सकता है। क्या दिखा दी ये एबिलिटी है, वो आज वो इस बॉक्स को उठा सकता है वर्तमान में, इसलिए हम उसको बोल सकते हैं दिस मैन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि यही जो आदमी है उस बॉक्स को उठा सकता है, क्योंकि उसके पास वो एबिलिटी है, उसके पास वो क्षमता है, लेकिन शायद हमारे पास नहीं है। यानी वही तो मैं बोल रहा हूं, किसी की भी क्षमता या फिर हमारी जिसमें हम कर सकते, क्षमता दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए यूज होगा कैन का प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, देखो I can jump from the 10 feet. I can jump from 10 feet. मैं 10 feet से कूद सकता हूँ, तो भी मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं 10 feet से कूद सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो मेरी क्या है, एबिलिटी है, वो मेरी क्या है, कैपेसिटी है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ बिंदास आज मैं 10 feet से कूद सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ।
आई कैन जंप फ्रॉम द 10 फीट, मैं ये मेरी एबिलिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे कैन यूज करूंगा। अगर आपने हर एक इमेज को देखा तो आपको समझ में आएगा किसी ने किसी की कहीं ना कहीं उसकी वो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, इसलिए वो दिखाने के लिए हम यूज करेंगे कैन का। एंड दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ कैन। कैन शोज एबिलिटी, अपनी क्षमता दिखाता है, बस मैं ये कर सकता हूं। उसका निगेटिव भी आप कर सकते हो सिंपली एकदम, अगर वो नहीं तैर सकता तो सिंपल आप बोल सकते हो कि कैनॉट स्विम इन द रिवर। अगर मैं नहीं तैर सकता नदी में तो मैं क्या बोलूंगा, आई कैनॉट स्विम इन द रिवर, मैं नदी में नहीं तैर सकता। अगर मुझे स्पेनिश बोलनी नहीं आती है तो मैं नहीं बोल सकता हूं, तो मैं सिंपली बोलूंगा आई कैनॉट स्पीक स्पैनिश, मैं स्पेनिश में बात नहीं कर सकता। यानी कि आप कैन का यूज पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस के लिए भी कर सकते हो, लेकिन वहां पे यूज होगा बेसिकली एबिलिटी का, वो भी प्रेजेंट टेंस में। आई होप आपको कैन का फर्स्ट यूज बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, अपना एबिलिटी दिखानी है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट यूज ऑफ कैन। कैन के और बहुत सारे यूज है, हमने पहला तो देखा है एबिलिटी और कैपेसिटी यूज करने के लिए हम जनरली कैन का यूज करते हैं। अभी दूसरा देखिए, कैन इज ऑल्सो यूज टू गिव एंड आस्क फॉर परमिशन। अगर हमें किसी को परमिशन मांगना है या फिर किसी को परमिशन देना है तो उसके लिए भी कैन का यूज होगा। लेकिन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो है इनफॉर्मल सिचुएशन में ही कैन का यूज, परमिशन देना और परमिशन लेने के लिए होता है। कहां पे? इनफॉर्मल सिचुएशन में। अभी आपको आपको दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये इनफॉर्मल सिचुएशन होता क्या है। देखो सिचुएशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फॉर्मल सिचुएशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल सिचुएशन। जो सिचुएशन ऑफिशियल लेवल पे होता है, अपने काम के लेवल पे होता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल सिचुएशन। जो हमारा सिचुएशन कैजुअल लेवल पे होता है, अपने भाई बहन दोस्त से जब हम बात करेंगे वो होता है इनफॉर्मल सिचुएशन। जब अपने टीचर्स बॉस से बात करेंगे, कलीग से बात करेंगे तो वो होता है फॉर्मल सिचुएशन। लेकिन यहां पे क्या बोला उन्होंने, कैन का यूज हो सकता है परमिशन देने या फिर परमिशन लेने के लिए, लेकिन कहां पे? इन इनफॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन में ही होता है। इनफॉर्मल सिचुएशन में कौन आता है फिर? अपने भाई बहन मम्मी पापा दोस्त सब, जिनके साथ हम जब रहते हैं, जब उनको हमें कुछ रिक्वेस्ट करनी है या फिर सॉरी जब हमें उनको कुछ परमिशन देना है या फिर परमिशन लेना है उनसे, तब हम यहां पे यूज करेंगे कैन का। देखिए एग्जांपल, जब हम मेरे दोस्त के घर में जाता हूं और वो घर में बैठा है, बातचीत हो रही है उनके मम्मी पापा के साथ, तब मुझे उनके डायरेक्टली मैं किसी घर में थोड़ी जा सकता हूं, बिकॉज वी आर फॉलोइंग इटिकेट्स एंड मैनर्स, हम इटिकेट मैनर्स सीखते हैं और हमें पता भी है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कैन आई कम इन। मैं कैन का यूज क्यों करूंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, इसलिए कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैंने परमिशन मांगा है और ये सिचुएशन इनफॉर्मल है इसलिए मैंने कैन का यूज किया, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अगर वो बोलता है यस, अरे तुम आ सकते हो यार, उसमें क्या है, तो सिंपल है ना, यस यू कैन कम इन, मेरा दोस्त अभी मुझे परमिशन दे रहा है, यस यू कैन कम इन, यस तुम अंदर आ सकते हो, क्या प्रॉब्लम यार, यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो इस प्रकार आप परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए इनफॉर्मल सिचुएशन में कैन का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर हम अपने दोस्तों को पैसा कुछ मांगते हैं, दोस्त है ना मेरा भाई, तो हम क्या बोलेंगे, कैन यू लेंड मी सम मनी, क्या मुझे थोड़ा पैसा दे सकते हो, क्या मुझे थोड़ा पैसा दे सकते हो, फ्रेंड है इसलिए कैन। ठीक है, नेक्स्ट, यू कैन यूज माई मोबाइल टू कॉल एनी बडी। अरे भाई मेरा फ्रेंड, मेरा भाई है, तुम मेरा मोबाइल ले लो यार, और जो जिसको चाहे उसको फोन कर सकते हो तुम, मेरा तुम्हें टोटल परमिशन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज माई मोबाइल, तुम मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो टू कॉल एनी बडी, किसी को भी फोन करने के लिए, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि मैं अपने दोस्त को भाई को अगर मैं परमिशन दे रहा हूँ तो वहां पे आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। And this is a second use of can, यानी कि informal situation में permission देना, permission लेने के लिए हम can का इस्तेमाल करते हैं, है ना, सही, बहुत बढ़िया है। अभी तो हमें आगे भी और सीखना है, बहुत zero level से, अभी मुझे लग रहा है आपका concept धीरे धीरे clear हो रहा है अभी। देखिए और एक use है can का, यहाँ पे भी हम कभी कभी can का use करते हैं। देखिए
कैन इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. कैन का यूज हम कभी कभी पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज करते हैं. और सबको पता है पॉसिबिलिटी मीन्स वॉट? प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी मीन्स वॉट? संभावना. शायद ऐसा हो सकता है. ठीक है, अगर सपोज ऐसा समझ लीजिए कि मैंने एग्जाम दिया है और मुझे थोड़ा लग रहा है मैं पास हो सकता हूं. क्या लग रहा है मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने जिस प्रकार से पेपर लिखा है, जिस ढंग से पेपर लिखा है, जिस प्रकार के आंसर लिखे हैं मैंने, उससे मुझे थोड़ा अंदाजा आ रहा है कि मैं शायद ये पेपर पास हो सकता हूं. तो मैं अरे हो सकता हूं ना, पास नहीं हुआ अभी तक, हो सकता हूं बोल रहा हूं मैं, इसलिए मैं यूज करूंगा. पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना. तो मैं क्या बोलूंगा? आई कैन पास द एग्जाम. मैं एग्जाम पास हो सकता हूं, मैं एग्जाम पास हो सकता हूं, ये मेरी संभावना है. तो मैंने कैन का यूज किया है. देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कैन विन द मैच. हम ये मैच शायद जीत सकते हैं, ये मेरी संभावना है. अभी तक जीते नहीं हमने, लेकिन जीतने की संभावना लग रही है मुझे. तो मैं बोल रहा हूं वी कैन विन द मैच. अगर सपोज अगर आज भारत और पाकिस्तान की मैच हो रही है, तो मैच होने से पहले हम एक अंदाजा लगा सकते हैं. अगर मुझे लग रहा है कि मेरे टीम ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है, हमारी इंडियन टीम में जिसका हमें काफी अच्छा लगता है, उस टीम में अगर बहुत अच्छे प्लेयर है, तो हम क्या बोल सकते हैं? मैच चालू होने से पहले एक अंदाजा लगा सकते हैं. क्या? वी कैन विन द मैच. हम ये मैच जीत सकते हैं. ठीक है, क्योंकि हमने अंदाजा लगाया है. नेक्स्ट, शी कैन सॉल्व द एग्जाम्पल. वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकती है, मुझे अंदाजा लगाया, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स आता है, बहुत बढ़िया से आता है, और किसी का भी एग्जाम्पल है वो बढ़िया से सॉल्व कर सकती है, ये मुझे भरोसा है. इसलिए मैं शायद ऐसा बोल रहा हूँ कि वो सॉल्व कर सकती है, उससे ही हो सकता है शायद. नेक्स्ट, दे कैन हैंडल द सिचुएशन. वो जो है ना, वो लोग इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, यानी उनके पास वो शायद एबिलिटी होगी. उस एबिलिटी के बेस पे वो शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, कर सकते हैं. ये पॉसिबिलिटी के जब ख्याल आपके दिमाग में आएंगे ना, तो बेशक आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो. इट कैन, आई कैन, शायद मैं ऐसा कर सकता हूं. इस प्रकार से ये कैन का यूज आप पॉसिबिलिटी के लिए भी कर सकते हो. तो हम फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं. कैन में हमने तीन यूज देखे. नंबर वन, आपके अगर किसी के भी आपको एबिलिटी कैपेसिटी दिखानी है, तो आप कैन का यूज कर सकते हो. लेकिन कैन का यूज कहां पे करेंगे? प्रेजेंट टेंस में. अगर किसी को आपको परमिशन देना है, परमिशन लेना है इनफॉर्मल सिचुएशन में, तो भी आप कैन का यूज करोगे. और अगर जब भी आपको कभी पॉसिबिलिटी की बात करनी है, तो आप कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हो. आई होप यू ऑल लर्नड एवरीथिंग इन डिटेल. आपको समझ में आया होगा और आपने ठीक से पढ़ा होगा अभी ये. ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा. ठीक है, विल स्टार्ट विद द विल मूव टू नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी, दैट इज अ कुड. कुड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कुड इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे हमने कैन देखा ना, सेम वैसा ही कुड का यूज है ना. लेकिन पहली बात एक समझो आप, कैन इज व्हाट, कुड इज व्हाट? कुड इज नथिंग बट पास्ट टेंस ऑफ कैन. Past tense of can. अरे can का past tense ये. Can का क्या है? Past tense. तो आधी बातें तो हमारी इधर ही clear हो गई. Can का use क्या है? Basic. Ability दिखाना, capacity दिखाना present tense में. लेकिन ये तो आया past tense में. Simple सी बात है. और वही ability, वही capacity अगर आपको past tense में दिखानी है, तो आप use करेंगे could का. आप क्या यूज करेंगे? कुड. आप ऐसा कर सकते थे पास्ट टेंस में, तो आएगा कुड. मैं ऐसा कर सकता था, तो यूज होगा कुड का, क्योंकि मैं अपने पास्ट टेंस में बीते हुए दिनों में, भूतकाल में, अगर मुझे कुछ किसी की या फिर मेरी एबिलिटी दिखानी है, कैपेसिटी की बात करनी है, तो मैं यूज करूंगा कुड. आया समझ में? बहुत इजी है. देखिए, कैन इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में अगर आपको कैपेसिटी दिखानी है या फिर एबिलिटी दिखानी है किसी की भी, तो आप यूज करेंगे कुड. कुड इज बिकॉज इट इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन, क्योंकि ये कैन का पास्ट टेंस है. एग्जाम्पल देखिए, आई कुड स्विम इन द रिवर वेन आई वॉज यंग. अरे मैं जब यंग था ना, मैं जब जवान था ना,
तो पानी में तैर सकता था, बहुत बढ़िया, क्योंकि उस टाइम की वो मेरी क्या है, एबिलिटी है, उस टाइम की वो मेरी क्या है, कैपेसिटी है, उस टाइम की वो मेरी क्या है, क्षमता है। यानी कि जब मुझे मेरी स्विमिंग करने की जो एबिलिटी थी पास्ट में, अगर मुझे आज बतानी है तो आप यूज करेंगे कुड, क्योंकि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट के कैपेसिटी और एबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए आएगा कुड। ठीक है, नेक्स्ट, शी कुड मैनेज एवरीथिंग व्हेन शी वाज असाइंड ड्यूटी। जब भी उसको कुछ काम दिया जाता था, जब भी उसको कुछ काम दिया जाता था, तो वो बढ़िया सा मैनेज कर सकती थी, मैनेज कर सकती थी। यानी कि उसके पास पास्ट टेंस में, उसके पास भूतकाल में वो एबिलिटी थी मैनेज करने की, इसलिए हम बोल रहे शी कुड मैनेज एवरीथिंग व्हेन शी वाज असाइंड ड्यूटी। जब भी उसको कुछ काम दिया जाता था, वो बढ़िया से उसको मैनेज कर सकती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही कुड क्लाइंब अप द ट्री बोल्डली व्हेन ही वाज इन स्कूल। जब वो स्कूल में था तो बहुत हिम्मत से वो पेड़ पे चढ़ सकता था। यानी कि पास्ट टेंस में उसकी पेड़ पे चढ़ने की जो एबिलिटी है, अगर मुझे आज दिखानी है तो मैं यूज करूंगा कुड का। ही कुड क्लाइंब अप द ट्री बोल्डली व्हेन ही वाज इन स्कूल। जब वो स्कूल में था ऐसा बोल रहे, यानी कि बेशक हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और पास्ट टेंस में उसकी पेड़ पे चढ़ने की एबिलिटी दिखा रहे हैं ना, तो यूज होगा कुड का, क्योंकि हम पास्ट के एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आया समझ में? सिंपल सी बात है, वही एबिलिटी, वही कैपेसिटी अगर आपको दिखानी है पास्ट टेंस में, तो आप जरूर कैन की जगह पे कुड का इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कुड। कुड के बारे में ये जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल हम सब दुनिया इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रही है। भाई कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, तो आपको वहाँ पे जो बात होती है आपकी, उसमें दम होना चाहिए, एकदम कन्विंसिंग आपके पास वो पावर होना चाहिए, एकदम इम्प्रेसिव आपका टॉक होना चाहिए, ताकि सामने वाले पे उसका कुछ इंप्रेशन बने। इसलिए बोले जाता है कि यू शुड हैव यूर कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव। आपका कम्युनिकेशन कैसा स्किल होगा, होना चाहिए इफेक्टिव होना चाहिए। यार थोड़ा ढंग का लैंग्वेज तो यूज करना सीखो पहले से, तो बराबर कम्युनिकेशन स्किल आपका इंप्रूव हो जाएगा, बराबर आपका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव बन जाएगा। तो इफेक्टिव करने के लिए कुछ चीजें हम यही से सीखते हैं। फिर कैसे, देखिए सेकंड यूज देखिए कुड का। कुड इज यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन। अरे जब भी आपको किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है, क्या करनी है, politely request, इसका मतलब क्या है, विनम्र होके आपको किसी को कुछ पूछना है, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ मांगना है, विनम्र होके आप उसको मांग सकते हो। आपको अगर आपको चाहे आपको लगता है कि आपका काम 100% होना चाहिए, तो आप ये कुड का यूज करो ना, फिर यूज करो कुड का, उसके आपका जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको जो रिक्वेस्ट बनेगी वो काफी हम्बल रिक्वेस्ट बनेगी, वो काफी पोलाइट रिक्वेस्ट बनेगी। एग्जाम्पल देखिए, Could you please get me a glass of water? क्या आप मुझे ग्लास भर के पानी दे सकते हो? विनम्र होकर रिक्वेस्ट की जा रही है एकदम, ऐसा नहीं give me water, ऐसा नहीं। give me water में क्या लगता है, एक ऑर्डर लगती है, लेकिन जब आप कुड का इस्तेमाल करोगे ये हम्बल रिक्वेस्ट बन जाती है, और इस ऐसे माहौल में, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे सिचुएशन में हमारे काम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को ही बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे ग्लास भर के पानी दे सकते हो? यार सामने वाला खुश होके देगा आपको पानी, क्यों नहीं देगा, अगर आपका इतना विनम्रता के साथ बात कर रहे हो तो, है ना। कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट, कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट देयर इन दिस मैटर, क्या आप इस मेरी मैटर में सहायता करोगे। तो विनम्रता से सामने वाला पूछ रहे हैं आपको, क्या भाई साहब आप इस प्रॉब्लम में, इस मैटर में क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो, क्या मेरी हेल्प कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं करेंगे यार, इतना पोलाइटली बोल रहा है वो, क्यों नहीं करेंगे, बेशक करेंगे, हम करेंगे। वुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, क्या आप थोड़ा आवाज बढ़ा के बात कर सकते हो? सर आवाज नहीं आ रहा है पीछे, आप थोड़ी आवाज बढ़ा के बात कर सकते हो? क्यों नहीं करेंगे सर बात बढ़ा के, क्योंकि आपने जो रिक्वेस्ट किया है वो काफी हम्बल रिक्वेस्ट किया है, क्यों, क्योंकि आपने यूज किया है कुड का। और लास्ट में देखिए, हर जगह क्वेश्चन मार्क आया है, एक क्वेश्चन ही है,
पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपके काम होने के चांसेस बढ़ते हैं। ये पोलाइटनेस हमारे लैंग्वेज में होना चाहिए, मैक्सिम से सब हमारे लैंग्वेज में होनी चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए, तभी तो हमारा जो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश है वो इफेक्टिव बन जाएगा। द वे, समझ में आ रहा है? ओके, तो मुझे लगता है आपको ये दो इंपॉर्टेंट यूज है कैन के, आपको समझ में आए होंगे। पहला, अगर पास्ट में हमें एबिलिटी की बात करनी है, कैपेसिटी की बात करनी है, तो आप यूज करोगे कुड। दूसरा है, किसी को आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है क्वेश्चन में, तो आप यूज करोगे कुड का। आई होप यू ऑल हैव स्टडीड और यू ऑल हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट कुड। आपको कुड के बारे में सब समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी शुरू करते हैं, दैट इज अ मे। मे इज ऑल्सो नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी इन इंग्लिश, मॉडल ऑक्सिलरी इन इंग्लिश। मे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मे की भी इस्तेमाल, मे का भी इस्तेमाल हम बहुत जगह करते रहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मे का यूज देखिए, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट ये वो है पॉसिबिलिटी। जनरली मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स वॉट? संभावना, प्रोबेबिलिटी। जब भी हमें प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी की बात करनी है, तो हम यूज करेंगे मे। क्या यूज करेंगे? मे। यानी कि जब भी हमें लगता है कि शायद मैं ऐसा करूंगा, शायद ऐसा होगा, शायद वो ऐसा करेगा, शायद वो ऐसा नहीं करेगा, जब भी हम कई ऐसी संभावना की बात करेंगे, तो वहां पे जरूर आएगा मे, क्योंकि मे इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी। क्योंकि मे जो होता है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, इट मे रेन टूडे, शायद आज बारिश होगी। बारिश का भरोसा नहीं होता बेटा, इसकी वजह से तो हम उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी, इसकी वजह से तो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, पता ही नहीं। सामने तो काले काले बादल लग रहे हैं, ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स लग रहे हैं, ऐसा लगेगा, लग रहा है कि भाई बहुत बारिश हो जाएगी आज, लेकिन शायद होती नहीं है। और जिस दिन बोला जाता है हो जाएगी, उस दिन होती नहीं है, और जिस दिन बताया जाता है कि नहीं होने वाली, उस दिन तो बहुत सारी हो जाती है। यानी कि बारिश का भरोसा ही नहीं है, कि हम चलते हैं पॉसिबिलिटी की तरफ। हम इसलिए बोलते हैं होगी, शायद, शायद होगी, इसलिए हम यूज करेंगे मे। इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी, शायद, संभावना ऐसी फिक्स नहीं है, शायद। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट मे बी पॉसिबल, यार ये हो सकता है, जो काम है ना हो सकता है, हम इसको कर सकते हैं, ये पॉसिबल लग रहा है हमें, शायद पॉसिबल, हाँ पूरा 100% नहीं है, शायद लग रहा है कि शायद ये हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट, वी मे डू दिस वर्क इफ टाइम परमिट्स, वी मे डू दिस वर्क इफ टाइम परमिट्स, हमें काम शायद कर सकते हैं अगर टाइम मिलेगा तो। यानी पॉसिबिलिटी क्यों है? टाइम मिलेगा तो ही बोल रहे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, इसलिए हम शायद बोल रहे कि शायद हम ये काम कर सकते हैं। इसलिए तो हमारे आगे कंडीशन दी उन्होंने, क्या? इफ टाइम परमिट्स, टाइम मिलता है तो ही, नहीं तो नहीं कर सकते। यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे, संभावना यूज कर रहे, इसलिए हमने यहाँ पे मे यूज किया है, ठीक है। आई होप आपको यह समझ में आया होगा, पहला यूज क्या है मे का, पॉसिबिलिटी बतानी है आपको तो आप यूज करेंगे मे का, लेकिन मे का यूज जब आप पॉसिबिलिटी की, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करोगे तो वो यूज होना चाहिए प्रेजेंट टेंस में। कब होना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, तब आप मे का यूज पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए कर सकते हो, ठीक है। ओके, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी है, मे इज ऑल्सो यूज टू गिव एंड आस्क फॉर परमिशन। परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए भी मे का यूज कर सकते हो आप। अभी आपको याद आया होगा क्योंकि हमने कैन में भी सेम देखा है, परमिशन देना, परमिशन लेने के लिए हम जनरली कैन का यूज करते थे, लेकिन कहां पे? इनफॉर्मल सिचुएशन में। सिचुएशन कौन सी थी? इनफॉर्मल, यानी कि जब भाई बहन दोस्त मम्मी पापा से बात कर रहे तो वो सिचुएशन क्या होगी? इनफॉर्मल। जब हम अपने ऑफिशियल लेवल पे है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है, टीचर से बात कर रहे, अपने मैनेजर से बात कर रहे, कलीग से बात कर रहे, तो जो सिचुएशन होगी वो होगी फॉर्मल सिचुएशन। कौन सी? फॉर्मल। और सेम आपको याद रखना है, मैं हमेशा फॉर्मल सिचुएशन में ही यूज होता है, परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए। अगर आपको परमिशन लेना है या फिर देना है फॉर्मल सिचुएशन में, तब आप यूज करोगे मे का। एग्जाम्पल देखिए,
इसलिए तो हम क्लास में बोलते हैं ना, जब भी हम लेट होते हैं, अगर टीचर टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में तो हम क्या बोलते हैं अंदर आने के लिए, मे आई कम इन सर। कैन क्यू नहीं यूज करते हम, क्योंकि सर इज नॉट माई फ्रेंड, टीचर इज नॉट माई फ्रेंड, टीचर इज नॉट माई ब्रदर, हो सकता है, लेकिन वो क्लास का माहौल एक फॉर्मल सिचुएशन है जहां पे वी हैव टू रिस्पेक्ट अवर टीचर, इसलिए हमें उनको क्या बोलना है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसलिए आप यहाँ पे यूज कर रहे हो मे का। अगर टीचर भी आपको परमिशन दे देंगे तो क्या बोलेंगे, यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हो, आप अंदर आ सकते हो, वो भी आपका पर आपको परमिशन देने के लिए मे का ही यूज करेंगे, क्योंकि उनके लिए भी ये सिचुएशन कैसा है, फॉर्मल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट, मे आई लीव, अगर आप ऑफिशियल लेवल में मीटिंग में बैठे हो, अर्जेंट आपको काम आया है और आपको जाना है, निकलना है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कैन आई गो, नो, आप फॉर्मल सिचुएशन में बैठे हो भाई, तो आप क्या बोलोगे, सर मे आई लीव, आई हैव लिटिल बिट वर्क टू डू, वेरी इंपॉर्टेंट, आप क्या बोलोगे, मैं लियो, तो इससे एक इंप्रेशन बन जाता है, यही तरीके होते हैं यार थोड़ा थोड़ा सीखने का, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी लैंग्वेज ना उसमें ना स्वीटनेस रखो, मिठास होनी चाहिए लैंग्वेज में, तो ही बोलेंगे हम कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मेन मोटो क्या होता है, वो होता है टू मेक सम इंप्रेशन और टू हैव इम्पैक्ट, और क्या बोलेंगे, वी शुड हैव टू, यू शुड बी एबल टू कन्विंस द पीपल, आप कन्विंस करने, आपको कन्विंस करने को आना चाहिए लोग, एक इंप्रेशन बनना चाहिए, आपकी बात उसके उसके पास ठीक से पहुंचनी चाहिए, तो ही बोलते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, यू यस यू मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ, आप पोलाइटली उसको यू बोल रहे हो। ठीक है, इसलिए आप यूज करोगे मे का, दिस इज द सेकंड यूज। नाउ वी हैव थर्ड यूज ऑल्सो ऑफ मे का, हमारे पास थर्ड यूज भी है, वो है मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस बेस्ट विशेस। अगर आपको विशेष विश देना है किसी को, विश करना है, अच्छे के लिए हो, कभी कभी बुरे के लिए भी होता है, कुछ बुरा हुआ है तो उसके लिए भी हम कभी कभी विश करते हैं, वो जो विश है वो बताने के लिए हमेशा मे का यूज होता है, लेकिन मे आएगा इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरुआत में, और लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो वो बन जाती है विश। देखो एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको अच्छा रखे, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ज्यादा दिन जियो भाई, हजार साल जियो आप, आशीर्वाद देते ना हम, सेम उसी उसके लिए, मे यू लिव लॉन्ग, और लास्ट में देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क है। नेक्स्ट, मे हर सोल लिव इन पीस, भगवान उसके आत्मा को शांति दे, अगर कुछ बुरा हुआ है किसी के साथ, कोई ऑफ हो चुका है, कोई किसी की मृत्यु हुई है, तो जनरली हम उसके मृत्यु के बाद ये बोलते हैं कि भगवान उसके आत्मा को शांति दे, ये हमारी विश है उसके लिए, मे हर सोल लिव इन पीस, यानी कि ये विशेष के लिए भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी हम यहाँ पे सीखे अभी मे के तीन यूज, पहला है प्रेजेंट टेंस में, अगर आपको पॉसिबिलिटी दिखानी है तो आप यूज करोगे मे का, संभावना उसको बोलते हैं हम। दूसरा है फॉर्मल सिचुएशन में परमिशन देना, परमिशन मांगने के लिए आप यूज करोगे मे का। उसके बाद आपको अगर किसी को विश करना है तो भी आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट मे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट यूज और नेक्स्ट मॉडल ऑफ थ्री, दैट इज अ माइट, इज अ माइट। सिंपल है, यहां पे एक बात याद रखिएगा, माइट इज नथिंग बट इट इज अ पास्ट टेंस ऑफ मे, इट इज अ पास्ट टेंस ऑफ व्हाट, मे, ये मे का पास्ट टेंस है, क्या ये मे का पास्ट टेंस है ये, तो मे कहां पे यूज करते हैं हम प्रेजेंट टेंस में, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, सेम वही होगा, वही पॉसिबिलिटी अगर आपको पास्ट टेंस में दिखानी है, क्या पास्ट टेंस में, तो आप वहां पे यूज होगा माइट का, किसका यूज होगा माइट का, क्योंकि माइट इज यूज्ड इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में माइट का यूज होता है। देखिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, अगर आपको पास्ट टेंस में किसी की भी संभावना दिखानी है तो आप यूज करोगे माइट का। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड प्रॉमिस्ड यू दैट आई माइट हेल्प यू, अरे भाई मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था पास्ट टेंस में कि शायद मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, शायद मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, शायद हेल्प नहीं किया लेकिन मैंने, लेकिन शायद मैंने बोला था मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है माइट। यहाँ पे देखिए भाई साहब उसी नजर से देख रहे, भाई बता रहे अपने नजरों से कि भाई मैंने तुम्हें बताया था कि शायद मैं तुम्हें हेल्प करूंगा,
लेकिन तुम आए ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प कर नहीं पाया। आना चाहिए था ना तुम्हें मेरे पास, इसलिए तो ऐसे ही देख रहे हो भाई साहब। समझ में आ रहा है आपको? मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था लेकिन तुम आए नहीं मेरे पास, इसलिए मैं शायद मैं तुम्हें हेल्प करने वाला था लेकिन तुम आए नहीं, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर पाया हूं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ माइट, यानी आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं पास्ट टेंस में, तो बाय का माइट। लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैड इन्फॉर्म इन, अरे उस लड़की ने उसको बताया था दैट इट माइट रेन देन, शायद बारिश हो सकती थी, शायद बारिश हो सकती थी, उसने बताया था कि शायद बारिश हो जाएगी, शायद पास्ट टेंस में बताया था, देखो शी हैड इन्फॉर्म, उसने बताया था कि शायद बारिश हो जाएगी, देखिए उसने बोला था शायद बारिश हो जाएगी, उसको बताया था उसके फ्रेंड को उसने, है ना, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया माइट का एग्जांपल देखिए, राम हैड थॉट दैट ही माइट पास द एग्जाम, राम को लगा था पास्ट टेंस में कि वो एग्जाम पास हो जाएगा, लेकिन वो एग्जाम पास हुआ ही नहीं। आप उसके चेहरे पे देखिए कितना टेंशन बेचारा, उसका रिजल्ट फेल आया है शायद, लेकिन उसको लगा था पास टेंस में ऐसा कि शायद वो पास हो जाएगा, लेकिन बेचारा देखिए पास हुआ ही नहीं है, टेंशन में बैठा है आज, शायद ऐसा लगा था कि पास होगा लेकिन पास नहीं हुआ है, वो फेल हुआ है। ठीक है, राम हैड थॉट दैट ही माइट पास द एग्जाम, उसको ऐसा लगा था कि शायद वो पास हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज इन्फॉर्म, मुझे बताया गया था, आई वॉज इन्फॉर्म दैट ही माइट गो विथ मी, मुझे बताया गया था कि शायद वो मेरे साथ आएगा, मेरे साथ जाएगा। आई वॉज इन्फॉर्म दैट ही माइट गो विथ मी, मुझे बताया गया था कि वो मेरे साथ जाएगा लेकिन वो नहीं आया है, शायद बोला, शायद आएगा बोला था लेकिन वो आया ही नहीं है, इसलिए तो हम यहाँ पे अकेले बैठे हैं जंगल में। उसने तो मुझे तो बताया गया था कि शायद वो आएगा, शायद था ना वो पॉसिबिलिटी, कन्फर्म नहीं था लेकिन वो आया ही नहीं, फिर शायद था इसलिए वो नहीं आया। समझ रहे हैं आपको? अगर कन्फर्म होता तो आ ही जाता, लेकिन क्या बताया गया था, शायद वो आएगा, ही माइट गो, यानी कि पास्ट टेंस में बात की पॉसिबिलिटी की, इसलिए वो आया नहीं है। तो मैं अकेला बैठा हूँ, आप देखिए बट टेंशन में बैठा हूँ जंगल में, है ना। नेक्स्ट, मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ ग्लरी इन इंग्लिश, मस्ट। मस्ट का यूज हम कब करेंगे, कहाँ पे करेंगे, ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट का यूज हम करते हैं जबरदस्ती की, कंपल्शन करने के लिए, कंपल्सरी चीजों को करने के लिए, यानी कि जब भी हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं और वो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपल्सरीली हमें जब अगर फॉलो करनी है तो हम यूज करेंगे मस्ट का। देखिए यहाँ पे, टू मेक कंपल्शन, मस्ट इज यूज टू मेक कंपल्शन, कंपल्शन करने के लिए, जोर जबरदस्ती करने के लिए, अगर हमें जो कुछ बताना है तो हम यूज करेंगे मस्ट का। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट सम रूल्स एंड रेगुलेशन, जब रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कंपल्सरी आपको फॉलो करने हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे मस्ट का। एग्जांपल देखिए, ऑल द स्टूडेंट मस्ट पे द फीस इन टाइम, पढ़ा तो रहे हम लेकिन सब बच्चों को फीस जो है टाइम पे भरनी ही है, एक कंपल्शन है स्कूल का, क्या है, कंपल्शन है स्कूल का, जबरदस्ती है, भरना ही पड़ेगा बेटा नहीं तो आपको कॉलेज से स्कूल से निकाल देंगे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या बोला है, ऑल द स्टूडेंट मस्ट पे द फीस इन टाइम, फीस तो भरनी ही है लेकिन टाइम के अंदर भरनी है, समय पे फीस भरना है नहीं तो आपको बिठाया नहीं जाएगा, शायद अलाउ नहीं करेंगे स्कूल वाले, इसलिए यहाँ पे मस्ट किया है, कंपल्शन है, इसलिए कंपल्शन है ना, इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट का इस्तेमाल किया है। देखो, पढ़ाया तो जा रहा है लेकिन फीस भरने के लिए भी बोला गया है बच्चों को, भाई आप फीस भर दो टाइम पे तभी तो आपको पढ़ाया जाएगा आगे, कंपल्शन किया है ना। नेक्स्ट, वी मस्ट नॉट टॉक ऑन मोबाइल व्हाइल वी आर ड्राइविंग, अरे जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं ना तो मोबाइल पे बात करनी ही नहीं चाहिए, इट्स अ कंपल्शन। रोड ट्रांसपोर्ट वाले का जो डिपार्टमेंट होता है आरटीओ हम उसको बोलते हैं, शायद उनका एक रूल्स होता है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन होता ही है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, और ये क्या है, कंपल्शन है, इसलिए हमने यूज किया मस्ट। वी मस्ट नॉट टॉक ऑन मोबाइल व्हाइल वी आर ड्राइविंग, जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तब मोबाइल पे बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि ये हमें करना ही नहीं चाहिए, इट्स इज मेकिंग एन कंपल्शन, अ कंपल्शन, इट्स मेकिंग अ कंपल्शन, ये कंपल्शन बन रहा है।
समझ रहे हैं आपको, ये कंपल्शन है, इसलिए हमने यहां पे यूज किया है मस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल द स्टूडेंट मस्ट वियर यूनिफॉर्म, स्कूल के सभी छात्राओं को, सभी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनना कंपल्सरी है, सबको यूनिफॉर्म में ही आना है। यहाँ पे देखिए, इसके तो यहाँ पे कंपल्शन किया नहीं है, जोर जबरदस्ती किए, ये रूल है भाई स्कूल का, आपको यूनिफॉर्म में आना ही पड़ेगा। जब आप यूनिफॉर्म में नहीं आओगे तो आपको शायद स्कूल में आने नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए देखो सब बच्चे यूनिफॉर्म में है। क्यों यूनिफॉर्म में आए सर पता है? क्योंकि कंपल्शन किया है ना, इसलिए यूनिफॉर्म में आए। देखो आप, इट्स अ यूज ऑफ मस्ट, ये तो यूज होता है मस्ट का, कंपल्शन। अगर आप किसी चीज का करते हो तो जबरदस्ती बन जाती है और आपको करना ही पड़ता है। अगर आपको लग रहा है ये करना ही है तो आप यूज करोगे मस्ट का, क्या मस्ट का। नेक्स्ट देखो, और एक एग्जांपल है, यू मस्ट स्टडी हार्ड एज सून एज एग्जाम अप्रोचेस, जब एग्जाम नजदीक आती है ना तो आपको पढ़ना ही है, क्या पढ़ना ही है, कंपल्सरी। इसलिए एग्जाम नजदीक आई भाई, इसलिए आपको एक कंपल्शन है, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। क्या होगा? नहीं तो आप फेल हो जाओगे, इसलिए यू मस्ट स्टडी हार्ड एज सून एज एग्जाम अप्रोचेस, जैसे एग्जाम नजदीक आती है आपको पढ़ना ही है, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टू डू, आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हमने सब जगह कंपल्शन किया है, भले आपको इंटरेस्ट हो या ना हो। देखिए बेचारा का मुंह से लगता है उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम नजदीक आई है। यहाँ पे देखो बेचारा तो पढ़ ही रहा है, ये भी बेचारी पढ़ रही है, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको कंपल्शन किया है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट देखते हम मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी, वो है वुड, वुड मॉडल ऑफ ऑक्सिलरी है, ठीक है। वुड तो हमें पता ही है, वुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ विल, विल का यह पास्ट टेंस है, ये बात पहले समझो आप। वुड क्या है? इट्स अ पास्ट टेंस ऑफ विल, और विल हम कब यूज करते रहे? विल हम यूज करते हैं फ्यूचर एक्शन बताने के लिए, कौन से एक्शन? फ्यूचर एक्शन, जो भविष्य में होने वाला है, जो भविष्य में हम एक्शन करने वाले हैं उसके बारे में जब हमें बताना है तो हम शाल और विल का यूज करते हैं, यानी विल का हम कब यूज करते हैं? फ्यूचर एक्शन बताने के लिए। और विल वुड क्या है? इट्स अ पास्ट टेंस ऑफ विल, और ये विल का पास्ट टेंस है, यानी सिंपल सी बात है, जब भी आपको फ्यूचर के बारे में बोलना है पास्ट टेंस में, जब भी आपको पास्ट टेंस में फ्यूचर एक्शन के बारे में बोलना है तब आप यूज करोगे वुड का। देखिए, वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन इन द पास्ट, जब भी आपको पास्ट में फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करनी है तब आप यूज करोगे वुड। एग्जाम्पल देखिए, आई हैड टोल्ड यू, मैंने पास्ट में तुम्हें बताया था, एवरी वन ऑफ यू वुड कम, मैंने तुम्हें बताया था कि सब उसमें से सब लोग आप आएंगे। आई हैव टोल्ड यू दैट एवरी वन ऑफ यू, आप में से हर कोई एक वहां पे आएगा, आएगा ऐसा बोला था मैंने, यानी कि पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की, मैंने बताया था आपको कि आप में से हर कोई एक आएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट, शी हैड प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया था दैट शी वुड हेल्प यू इन द इलेक्शन, उसने तुम्हें प्रॉमिस किया था पास्ट टेंस में कि वो तुम्हें हेल्प करेगी, करेगी, यानी कि प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रही है, पास्ट टेंस में। नेक्स्ट, वी हैड इन्फॉर्म देम दैट वी वुड स्टैंड बाय देम, हमने उनको इन्फॉर्म किया था कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे ऐसा बोला था, यानी कि फ्यूचर एक्शन हो गई है, बराबर ना, हमने उनको बताया था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है पास्ट टेंस में, इसलिए हमने सब जगह यहाँ पे वुड वुड इस्तेमाल किया है, क्योंकि जब हम पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करेंगे तो जरूर वहां पे वुड आएगा, ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट यूज है वुड का, जैसे कि हमने कुड का यूज देखा था, किसी को भी अगर आपको एक पोलाइट रिक्वेस्ट करना है किसी को भी तो आप कुड यूज कर सकते थे, क्योंकि हमने कुड में ये देखा है, सेम यूज है, कुड की जगह पे आप वुड भी बोल सकते हो, यानी कि अगर आपको किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तो आप कुड की जगह पे वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, वुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मुझे ग्लास भर के पानी दे सकते हो, हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। वुड यू प्लीज हेल्प मी आउट देयर इन दिस मैटर, क्या आप इस प्रॉब्लम में मेरी सहायता करोगे, क्या आप भी पोलाइट रिक्वेस्ट,
नेक्स्ट वुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर, क्या आप थोड़ी आवाज बढ़ा के बात करोगे? हम्बल रिक्वेस्ट, यानी कि किसी को हम्बल रिक्वेस्ट करना है तो जरूर आएगा वुड या फिर कुड, दोनों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नेक्स्ट यूज है वुड का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो वुड इज ऑल्सो एक्सप्रेस एन एक्शन विच यू यूज टू डू इन द पास्ट बट नॉट नाउ. यानी वुड का और एक यूज है जो ऐसा है, यानी कि आप ऐसी चीजें ऐसी एक्शन जो आप पास्ट में लगातार करते थे लेकिन अभी आप नहीं करते हो प्रेजेंट टेंस में, वो एक्शन को बताने के लिए भी आप वुड का इस्तेमाल करते हो. यानी आप पास्ट में तो करते थे वो चीजें लेकिन आज शायद आपके पास काम की वजह से, बिजी होने की वजह से आपके पास टाइम नहीं है वो चीजों को करने के लिए, इसलिए वहां पे उस पास्ट के एक्शन को बताने के लिए आप यूज करेंगे वुड. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई वुड प्ले क्रिकेट. यार मैं पहले बहुत क्रिकेट खेलता था लेकिन आजकल खेल ही नहीं पाता हूँ, टाइम ही नहीं है. बराबर ना, खेलता था पहले, अभी नहीं खेलता हूँ, ये मेरी पास्ट एक्शन है. शी वुड विजिट अ टेम्पल, पहले वो हमेशा मंदिर जाती थी. शी वुड विजिट अ टेम्पल, हमेशा मंदिर जाती थी, अभी उसका जाना ही नहीं होता मंदिर में, बहुत बिजी वो, इसलिए वो पास्ट हैबिट है. शी वुड सिंग सॉन्ग्स, वो गाना गाता था पहले, अभी गाता ही नहीं है. शायद उसका आवाज बैठ गया है, उसका आवाज ठीक नहीं है, या फिर उसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आजकल नहीं करता वो, इससे पास्ट में होता था, इसे आजकल वो नहीं करता, इसलिए पास्ट हैबिट है. ही वुड सिंग सॉन्ग, वो हमेशा गाना गाता था. ठीक है, यानी कि ये आपके अगर कुछ पास्ट ऐसी एक्शन है जो आप लगातार करते थे लेकिन आजकल नहीं कर पाते उन एक्शन को, तो उसके लिए भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो. यानी कि यहाँ पे आपको वुड समझ में आया होगा, पहला है पास्ट में फ्यूचर एक्शन बताने की है आपको, तो वुड का इस्तेमाल करोगे. किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो भी आप वुड का इस्तेमाल करोगे, और आपको आपकी पास्ट एक्शन बतानी है तो भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो. वुड के ऐसे बहुत सारे यूज है लेकिन ये तीन जो है इंपॉर्टेंट यूज है, हम यहाँ पे देखा है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट शुड, शुड ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल्स इन इंग्लिश, शुड भी बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स है इंग्लिश में. शुड का देखिए, शुड हम कहाँ पे यूज करते हैं जनरली, जब भी हमें किसी को एडवाइस करना है या फिर किसी को सजेशन देना है. क्या करना है, किसी को एडवाइस देना है या फिर सजेशन देना है, यानी कि किसी को सलाह देनी है, तो हम जनरली यूज करेंगे शुड. जब भी हम किसी को सलाह देते हैं ना रे, सलाह सिंपल सी देते हैं हम. ठीक है, क्या सलाह देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए बिकॉज यू आर स्टूडेंट. अरे आप स्टूडेंट हो भाई, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ये मेरी आपको क्या है, सलाह है. सलाह अगर देनी है तो यूज होगा शुड का, यू शुड स्टडी हार्ड, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, मैं सलाह दे रहा हूं ना, तो आएगा शुड. नेक्स्ट, आई थिंक आई शुड गो दिस वे, मुझे लगता है कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए. मैं खुद को ही सजेस्ट कर रहा हूं, खुद को एक सलाह दे रहा हूं कि मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए, इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, इस रास्ते से जाना चाहिए, ये मैं यहां पर यूज कर रहा हूं शुड का. नेक्स्ट, यू शुड टेक दिस मेडिसिन विद अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास भर के दूध पीना चाहिए आपको जब आप टैबलेट्स ले रहे हो. बराबर ना, आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए ग्लास भर के दूध के साथ. आपको कैसे लेनी चाहिए टैबलेट, इस डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं आपको टैबलेट हमेशा लेनी ही है, लेकिन उसके साथ आपको ग्लास भर के दूध भी पीना चाहिए, ऐसे आपको सलाह दे रहे हैं, इसलिए सलाह दे रहे हैं ना डॉक्टर, इसलिए यूज होगा शुड का. यानी कितना याद रखना है, अगर आपको सलाह देनी है, किसको एडवाइस करना है, सजेशन करना है, तो यहाँ पे यूज होगा शुड का. दूसरा एक यूज है शुड का, ऑब्लिगेशन. किसी को अगर आपको किसी के काम का उसको एक बताना है कि भाई ये तुम्हारे बंधन है, तुम्हारा ये ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है बंधन, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम ये काम करते हो. अगर उसको ऐसा बताना है या फिर उसको समझाना है तो आप यहाँ पे यूज होगा शुड का. एग्जाम्पल देखिए, यू शुड डू यूर वर्क ऑनेस्टली, तुम्हें तुम्हारा काम काफी ईमानदारी से करना चाहिए, करना चाहिए. हम उसको बता रहे तुम्हारा बंधन है भाई, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा जो काम है तुम्हें ऑनेस्टली करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए. नेक्स्ट, यू शुड नॉट मेक करप्शन, भाई तुम्हें ना करप्शन नहीं करना चाहिए, ये मैं तुम्हारा बंधन है, मैं तुम अच्छे देश में रहते हो, इंडिया का नाम खराब मत करो, मैं मेरी इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं करप्शन नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट स्पेंड मनी अननेसेसरीली, तुम्हें पैसा है ना फालतू में इधर उधर खर्चा नहीं करना चाहिए, ऐसे ही पैसा खर्चा मत करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये तुम्हें बंधन है. पर मम्मी पापा भाई कितने मेहनत करते हैं, तुम इसलिए
उनका पैसा जो दिया हुआ है इधर उधर खर्चा मत करो, नहीं करना चाहिए तुम्हें, दे यू शुड नॉट स्पेंड मनी अननेसेसरली, फालतू में पैसा खर्चा करना नहीं चाहिए, ठीक है। दिस इज अ मेन टू यूज ऑफ शुड, यानी कि आपको किसी को सलाह देनी है, एडवाइस करना है, तो भी आप शुड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अभी कुछ लास्ट के दो लेते हैं, हैव टू और हैज टू। हम हैव टू और हैज टू का भी काफी इस्तेमाल करते हैं अपने लैंग्वेज में। हैव टू का और हैज टू का यूज जो होता है ना, वो शुड जैसा ही होता है, क्या शुड जैसा ही होता है ये यूज। शुड में क्या किया हमने, एडवाइस किया है, सजेशन किया है, उसके लिए हमने शुड यूज किया है। आप शुड की जगह पे हैव टू और हैज टू का यूज कर सकते हो, ठीक है। फर्क इतना है, हैज टू आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव टू आएगा प्लुरल सब्जेक्ट के लिए और आई के लिए, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट जो है प्लुरल होगा या फिर आई होगा तो हमें उसके बाद यूज करना है हैव टू, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमें यूज करना हैज टू, यानी दिस इज द वे। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए अगर आपको किसी को सजेशन देना है, एडवाइस करना है, तो आप शुड की जगह पे हैव टू हैज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखिए, यू हैव टू लीव नाउ, अभी आपको जाना चाहिए, अभी आपको जाना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अभी आपको जाना चाहिए। आई हैव टू स्टडी नाउ, मुझे अभी पढ़ाई करनी चाहिए, ये मुझको मैं खुद को सजेस्ट कर रहा हूं, मैं मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। आई हैव टू स्टडी नाउ, वी हैव टू लर्न ऑल दी स्किल्स, हमें सब ये स्किल है ना सीखने चाहिए, हमें ये सब स्किल सीखने चाहिए, ये खुद को क्या कर रहे हैं हम सजेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट हैज टू, हैज टू देखिए, शी हैज टू टेक रेस्ट नाउ, शी हैज टू टेक रेस्ट नाउ, अभी उसको है ना रेस्ट करनी चाहिए, उसको क्या करनी चाहिए, रेस्ट करनी चाहिए। राम हैज टू प्ले केयरफुली, राम को काफी केयरफुली खेलना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसकी, उसको बहुत अच्छा सा खेलना चाहिए। ही हैज टू वर्क हार्ड, उसको है ना बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, उसको बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, यानी सेम शुड जैसा ही। अगर आपको सलाह देनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो भी आप हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट जनरली ये मॉडल ऑक्सिलरी है, जनरली हमने सब देखा है कि उसका यूज जो हो रहा है इन्विटेशन के लिए, एडवाइस के लिए, सजेशन करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, जनरली हम ये मॉडल्स ऑफ द री यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ द री होती है, इसका अगर आप ठीक से इस्तेमाल करते हो तो आपको लैंग्वेज में एक एज मिलेगा, आपको आपको लैंग्वेज में थोड़ी बहुत कमांड आएगी और यू कैन फॉर्म मेनी सेंटेंसेस एज मेनी एज पॉसिबल, जितना आप सेंटेंस बना सकते हो इसके हेल्प से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है, तो आपको देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको जरूर लाइक कर देना, हमारा जो यूट्यूब चैनल है मातो सर यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको बहुत पसंद आया है तो आपके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो हमारा एक सिलवास में कोचिंग सेंटर है, एजुकेशन पॉइंट क्लासेस, जहाँ पे हम ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास चलाते हैं, CBSE गुजरात बोर्ड के यहाँ पे क्लास होते हैं 6 to 12 तक, यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे यहाँ पे पढ़ाया जाता है, अच्छी बेस्ट फैकल्टी यहाँ पे, बढ़िया से बढ़िया, और आपको यहाँ पे एकदम पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है, ठीक है। तो ये सब अगर आपको विजिट, अगर आपको यहाँ पे आना है, एक बार सेंटर को विजिट करना है, तो आप जरूर आएगा। यहाँ पे जो सिलवास में टोकर खड़ा है, टोकर खड़ा में जो मिनी बस स्टॉप है उसके नज़दीक ये हमारा कोचिंग सेंटर है, एजुकेशन पॉइंट क्लासेस, तो एक बार आप जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है। तो आई थैंक यू हियर, आपने सब ये वीडियो देखा बहुत अच्छा है, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अच्छे सा टॉपिक लेके, ताकि आपको इंग्लिश हमें सिखानी है, आपको इंग्लिश में अच्छा बनाना है, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, आई थैंक यू अगेन, जय हिंद। भाई।